आज जो विराट सभा आयोजित की गई थी, जिसको लेकर तमाम मीडिया के चैनलों ने पूरे देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे बड़ा उपद्रव होने वाला है, यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग इतना जुट रहे हैं, जो इस पूरी सभा को बदनाम करने की कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई है। यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से लाखों लोग जुटे और इस पूरे मैदान में लाखों लोग जुटे हुए थे। अभी भी सभा चल रही है, अंतिम उद्बोधन होना है। यहाँ अभी तक जो बात हुई है उसमें तीन चार बड़ी बातें निकल कर आई हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने एक दावा किया, उनकी मुलाकात भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री से हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अभी चार राज्यों के चुनावों की वजह से यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, 6 दिसंबर को आचार संहिता खत्म होने की वजह से वो कोई बड़ा निर्णय नहीं दे सकते थे, कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकते थे। 11 दिसंबर को भारत के चार राज्यों के चुनाव के बाद एक रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद भारत सरकार निश्चित तौर पर दो चार दिनों में या एक हफ्ते के अंदर एक बड़ी खुशखबरी भारत को देने वाली है, जिसको लेकर तमाम सांसदों को, तमाम मंत्रियों को ये व्हिप जारी कर दिया गया है कि वो लोग संसद में उपस्थित रहें तो उम्मीद की जा सकती है। और उन्होंने ये दावा भी किया कि ये कोई झूठी बात नहीं है, आश्वासन नहीं है, उन्होंने बाकायदा शपथ पूर्वक ये कहा है कि हम निश्चित तौर पर 11 दिसंबर के बाद में देश को इस मामले में एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। दूसरी बात जो रही वो यहाँ एक और बड़े संत ने ये कहा कि जो 19 तक सुनवाई टली है उसकी बजाय कांग्रेस के वो वकील हैं जो बाबरी मस्जिद का यहाँ चुनाव जो केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने 2017 में ये रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि इस मामले की सुनवाई 2019 तक टाल दी जाए। और एक बड़ी बात ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं रंजन गोगोई, ये वही गोगोई हैं जिन चार जजों ने कांग्रेस के समर्थन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सरकार के खिलाफ, दीपक मिश्रा के खिलाफ। तो ये रंजन गोगोई उसी ग्रुप के सदस्य हैं जिसकी कपिल सिब्बल ने दावा किया था और उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले को 2019 तक टाला है उसमें समझा जा सकता है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कांग्रेस पार्टी के सिब्बल जैसे नेताओं के निर्देश को मानते हैं या उनके कहे अनुसार चलते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो आज धर्मसभा यहाँ हुई है वो अकेली धर्मसभा भारत में नहीं हुई है, ऐसी 25 धर्मसभाएँ हुई हैं। और मीडिया जो कोशिश कर रहा था, जो बड़े कांग्रेस समर्थक मीडिया था या वामपंथी मीडिया था, वो ये दिखा रहा था कि अयोध्या में बवाल होने वाला है, या अखिलेश यादव जैसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट को फौज लगा देनी चाहिए क्योंकि वहाँ इतने लोग जुट चुके हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, प्रलय आ जाएगी। तो आज ये इस तरीके से लोगों ने यह दिखा दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, राम भक्त सनातन धर्मी लोग बड़े ही शांतिप्रिय होते हैं, जब तक उनके सर से पानी नहीं गुजरे वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते। यहाँ भी कुछ लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं जो बोला गया था ये यहाँ बवाल होने वाला है कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोलने वाले जितने थे सब झूठ बोल रहे थे और उपद्रव मचाने के लिए सारा कर रहे थे। ये दावे किए गए थे कि लोग यहाँ से घरों को छोड़ ये विराट धर्म सभा जो है हम लोगों को एकत्रित करना था जो है, बाकी यहाँ पे कोई दंगा बवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक एक निर्देश है भारत सरकार को दिखाना कि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द करे। ऐसे यहाँ की कोई जनता इस तरह से कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत शांति प्रिय जगह से ये बेकार की ताकि लोगों को ये भय हो इस तरह से जो है लोग ना आए, उनको काफ़ी गुमराह किया जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ बहुत अच्छे से आए और अपना अपना वो शांति प्रिय ढंग से जो होना चाहिए मर्यादा में रह करके वो सब, ये सारा सिर्फ पुलिस को दबाव में लेने के लिए किया गया था। और यही वजह है कि कल से हम देख रहे थे अयोध्या के गेट से ही लेकर करीब 20-25 जगह बैरिकेड लगे हुए थे, वाहनों का चलना बंद था, लोगों को पैदल तक आना पड़ा, 10-15 किलोमीटर तक लोगों को चलना पड़ा। और ये सब उस मीडिया की वजह से हुआ जिसने ये झूठा खबर फैलाई थी कि यहाँ पर बहुत बुरी घटनाएँ होने वाली हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक ये सभा समाप्ति की ओर है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, शांतिपूर्वक लोग आए हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और अपने संकल्प को भारत की सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बनना चाहिए मंदिर को, तो बनना चाहिए, आपका भी फोटो आना चाहिए ना आपकी छत में। भाई देखिए इतनी देर यहाँ पर रहे तो आपका पता तो चल, सरकार सहमत से, सरकार सहमत है, मंदिर बहुत जरूरी है, जनता बहुत परेशान है, जनता का देख करके हम लोग भी घबरा जाते हैं कि यहाँ कोई विवाद ना हो, अस्थाई में मंदिर बन जाए। धन्य भाग, जनता का मांग यही है, अयोध्या वासी हमें
हमारा कर्तव्य है सेवा करना, जनता के पक्ष में लगा रहना, बस धन्यवाद। तो ये जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ बड़ा बवाल होने वाला है, दहशत फैलाई जा रही थी, ऐसा नहीं, कुछ लगा? नहीं नहीं, बवाल कुछ नहीं है यहाँ, बस झूठा फैलाया, शांति वातावरण सारा काम हो रहा है, सब शांति से हो रहा है। हम यहाँ के रहने वाले हैं। नाम बताइए आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव है। रामचंद्र यादव जी बता रहे हैं कि ये ऐसा कुछ हमें नहीं लगा और इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए भारत की मीडिया का जो सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने की कोशिश करती है। आज यहाँ पर जो धर्म संसद की बैठक हो रही है, पूरा हिंदू जनमानस इकट्ठा है, विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे जी हमारे यहाँ करके गए हैं और ये संपूर्ण जनमानस को इस बात की, यहाँ तक कि सरकार को इस बात की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए और पूरा माहौल देख लेना चाहिए। आपके माध्यम से वो देख भी रहे होंगे कि यहाँ कितनी भीड़ है, कितना हिंदू जनमानस है। वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस जात का, चाहे जिस धर्म का हो, सबका एक मकसद है, हमारे आराध्य भगवान विष्णु श्री राम का मंदिर बने। और आज मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभी हमें एक जानकारी मिली, आज ये जहाँ धर्म संसद का मंच लगा है, आज से 50 वर्ष पूर्व यहाँ के राजा महाराजा ददुआ जी का मंच लगा था, वो भी यहाँ के राजा थे और आज उन्हीं के वंशज भगवान राम के कार्य के मंदिर के पूर्णे के लिए पुनः यही मंच लगा है। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है जी। एक करोड़ रुपया जो दान में दिया गया है, करोड़ दिए हैं सुल्तानपुर के कोई हैं, वो 1 करोड़ रुपया दिए हैं जन्मभूमि के लिए। हाँ, कोई धर्म में दान देने वालों की कमी नहीं है, बशर्ते कि उनका प्रेरक और प्रेरणा अच्छी मिलनी चाहिए। मंदिर निर्माण शुरू हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी सरकार की जरूरत नहीं होगी। हिंदू समुदाय, हिंदू जन, हिंदू जनमानस इतना मजबूत है कि वो हर हालत में पूरी दुनिया में सबसे भव्य मंदिर बनाने का कार्य। मंदिर बनवाने के लिए किसी सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप यहाँ इतना इकट्ठा कर देंगे कि मंदिर भव्य बनेगा। और इसकी आज नमूना भी देखने को मिला कि मंच पर ही आकर सुल्तानपुर के एक सज्जन व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए उस मंदिर के लिए दान दिए। Let's go.
है और अपनी जवानी का हुंकार भरिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंच पर उपस्थित पूज्य संतगण और सौभाग्य लेती हुई हमारे नौजवान साथी महाशक्ति और कुछ हमारे सरकार के प्रतिनिधि, बहुत सारी बात हमारे पूर्व संतों ने कही है, कहने को कुछ शेष नहीं है। अब 3 नवंबर 4 नवंबर को रोहतास के द्वारा स्टेडियम में अखिल भारतीय संत समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें एक नारा दिया गया था कि संतों का ये धर्मादेश कानून बनाओ या अध्यादेश, इसके से इसे कब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो विश्व पथक के सारे यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद है, मैं अखिल भारतीय स्त्री पथ निर्माणी अन्य धारा की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि निर्माणी अखाड़ा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के राम मंदिर के लिए 24 घंटे तैयार है। आज मंदिर के विरोध में शक्तियां खड़ी हुई है, उसे दो लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद में आपकी भाई को विश्राम दूंगा कि किसी की खेती किसी की मेहनत किसी की खेती किसी की मेहनत फसल किसी की ये बाबा आदम से चली आ रही बेईमानी नहीं चलेगी। पुरानी दुनिया को बदल को बदलते मौसम की नस्ल को नए किसानों को तुम्हारी हवा सुनानी नहीं चलेगी। भारत का हिंदू जा चुका है और अब वो राम मंदिर से के अलावा कुछ नहीं चाहता है, राम मंदिर के और राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, यही देश की जनता की इच्छा है, देश के संतों की इच्छा है, हमारे पूज्य धर्माचार्यों की इच्छा है और अयोध्या के संतों की इच्छा है और इस कार्य में हमारे अखाड़े चाहे वो भैरों के अखाड़े हो, चाहे सरों के अखाड़े हो, चाहे वो निर्मलों के अखाड़े हो, सारे लोग आपके कंधे से कंधे मिला करके 24 घंटे तैयार है। जय श्री राम। मैं निवेदन कर रहा हूँ दिगंबर नवीन अखाड़ा के उपाध्यक्ष